अफगानिस्तान की सीमा से लगे आदिवासी क्षेत्र कोर्रम में सुन्नी और शिया कबीलों के बीच कई दिनों से संघर्ष चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कोर्रम जिले में करीब एक हफ्ते से जारी इस संघर्ष में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में पाकिस्तान में क्या गृहयुद्ध के आसार बढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में जमीन की लड़ाई शिया सुन्नी पर आई। शिया वर्सेस सुन्नी, पाकिस्तान में जंग खूनी। जमीन का विवाद, 7 दिन में लाशों का अंबार। फंस गए शहबाज, गिरे युद्ध के आसार। एक तरफ बलूचिस्तान में कोहराम मचा हुआ है तो दूसरी तरफ पीओके में विरोध की आवाज बुलंद है, जिसकी वजह से कंगाल पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। पाकिस्तान के हर सूबे में अशांति है तो वही खैबर पख्तूनख्वा में खूनी जंग चल रही है। पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की जानी दुश्मन बन बैठे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मंजर बहुत भयावह है। रात हो या दिन, सुन्नी कट्टरपंथियों ने शिया मुस्लिमों का जीना मुहाल कर दिया है। इस वजह से शिया सुन्नी खूनी जंग जैसे हालात बन चुके हैं। 7 दिन में 50 लोगों की मौत, अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, पारचिनार पेशावर हाईवे बंद। कुर्रम जिले में भारी तनाव जारी है, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच खूनी जंग क्यों चरम पर है, आइए हम आपको बताते हैं। जमीन का विवाद शिया सुन्नी में बदला। विवाद की जड़ 30 एकड़ की जमीन कुर्रम जिले के बुशेरा गांव की है। दो परिवार जमीन पर जताते हैं अपना हक। 7 दिन पहले दो परिवार में हुई थी लड़ाई दो कबीलों के बीच फैल गई। सुन्नी समुदाय को अफगान कबीले का समर्थन, शिया कबीले पर भारी पड़े सुन्नी। दरअसल पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक सुन्नी समुदाय को सीमा पार के अफगान कबीले का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से वे भारी पड़ रहे हैं। पिछले साल दोनों पक्षों के बीच लड़ाई थमने के बाद दोनों के बीच एक समझौता कराया गया। इसमें तय हुआ कि सरकार तय करेगी कि जमीन किसकी है। जमीन विवाद हल कराने वाले लैंड कमीशन का नियम ही दोनों पक्षों को मानना होगा। इसके बाद कमीशन ने अपना फैसला सुनाया और ये जमीन शिया समुदाय को दे दी गई। लेकिन 1 साल बाद इसे लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। 1 हफ्ते पहले जमीन से जुड़े एक विवाद पर बातचीत हो रही थी कि तभी एक शख्स ने गोली चला दी। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। ये विवाद मुल्क बनने से पहले का है, पाकिस्तान बनने से पहले हैं कई विवाद। उन सभी विवादों का अब तक हल नहीं निकला। फिलहाल कुर्रम में 8 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। ये सभी मामले जमीन से जुड़े हुए हैं। लैंड रिफॉर्म ना होने की वजह से विवाद अब तक जारी है। जब भी विवाद शुरू हुआ तो वो कबीलों की लड़ाई से निकलकर सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है एक दूसरे को मारने का सिलसिला। खैर, पाकिस्तान ने जो बोया है अब वही काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।